पढ़ने जा रहे हैं हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्यूटिंग द स्क्वायर, ठीक है ना। सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ताकि एक स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है कुछ आइडेंटिटी स्क्वायर का, स्क्वायर फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर आइडेंटिटी नंबर वन। नंबर टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी द होल स्क्वायर। नंबर थ्री आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। ये तीन आइडेंटिटी स्क्वायर मेथड में लगेगा। पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल वाला करते हैं। ये रहा एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स कैसे करेंगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स दिस इज एग्जाम्पल नंबर 11 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हमको स्क्वायर मेथड यूज़ करना है इसलिए हमको मालूम है ये क्या होगा एक्स दी होल स्क्वायर प्लस टू इंटू सिक्स के बराबर करना है। टू थ्री ज़ा सिक्स टू ए इंटू बी इतना समझ आया। फिर उसके बाद ये अधूरा फॉर्मूला है कैसे ये फॉर्मूला यहाँ तक है यहाँ तक ये चाहिए अपने को। तो अपन क्या करेंगे एडिंग एंड स्क्वायरिंग ऑफ थ्री टू बोथ साइड, ठीक है ना। ये बी है तो अपन क्या करेंगे एक्स दी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी है ना प्लस थ्री दी होल स्क्वायर, इधर भी थ्री स्क्वायर किए और उधर भी थ्री स्क्वायर किए, राइट। ये फॉर्मूला बन गया कौन सा फॉर्मूला एक्स प्लस थ्री दी होल स्क्वायर, थ्री दी होल स्क्वायर कितना जाएगा नाइन, जीरो प्लस नाइन। एक्स प्लस थ्री दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, एक्स प्लस थ्री इजक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नाइन प्लस माइनस थ्री, क्योंकि प्लस थ्री इंटू प्लस थ्री प्लस नाइन, माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री तो भी नाइन। अब यहाँ पे क्या करेंगे टेकिंग प्लस साइन एक्स प्लस थ्री इजक्वल टू प्लस थ्री, एक्स कल टू प्लस थ्री माइनस थ्री एक्स कल टू जीरो टेकिंग माइनस साइन एक्स प्लस थ्री इजक्वल टू माइनस थ्री एक्स कल टू माइनस थ्री माइनस थ्री एक्स कल टू माइनस सिक्स, ठीक है। देयरफॉर एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स इज द सॉल्यूशन, राइट। अब एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज में आ जाते हैं। पेज नंबर निकालिए पेज नंबर 83 एक्सरसाइज नंबर 3। क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्यूटिंग द स्क्वायर। बाय कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड करते हैं
सबसे पहले यहाँ इम्पॉर्टेंट बात देने की बात है कि एक्स के एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए फर्स्ट। तो यहाँ से हमको क्या करना है, टू को उड़ाना है। उड़ाएगा कैसे, यदि हम उसको टू से डिवाइड करेंगे तो टू उड़ जाएगा, सबको टू से डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू टू। इतना समझाएं। अब यहाँ पे जो है एक फॉर्मूला बनता है, मैंने बताया था इंडिसेस क्या था, ये रहा है ना, तो इसी में से एक फॉर्मूला को हम अडॉप्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा x the whole square प्लस 2ab 2 इंटू ए, ए क्या है x, b क्या होना चाहिए इंटू 1 बाई 4 कैसे आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए हमारा, एक्स बाई टू। ये देखो कट रहा है ना, टू जा आगे ना एक्स बाई टू, तो कैसे लिखेंगे इसको, एक्स दी होल स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी इक्वल टू टू। इतना समझना है। अब हमको मालूम है ये b है, इसलिए x दी होल स्क्वायर प्लस टू नहीं, एडिंग 1/4 स्क्वायर टू बोथ साइड, एडिंग 1/4 दी होल स्क्वायर टू बोथ साइड, जो b वाला है पोर्शन वो दोनों तरफ ही हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे x दी होल स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू 1/4। अब यहाँ पे भी जोड़ दिए 1/4 दी होल स्क्वायर, और उधर भी जोड़ दिए 1/4 दी होल स्क्वायर, तो 2 प्लस 1/4 दी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, x प्लस 1/4 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1/16 बाई 1 ऐसे में आएगा 16, 32 प्लस 1 33/16, ये हो गया x प्लस 1/4 दी होल स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट x प्लस 1/4 इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 33/16, है ना। जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस लिखेंगे, रूट 33 का स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए इसको ऐसे कैसे रहने दिए, लेकिन 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 4, लेकिन प्लस साइन लेंगे, x प्लस 1/4 इक्वल टू 33, रूट 33/4, x इक्वल टू रूट 33/4 माइनस 1/4, x इज इक्वल टू एलसीएम आया 4, रूट 33 माइनस 1। फिर एक और लेंगे टेकिंग माइनस साइन, तो ये जगह x प्लस 1/4 इक्वल टू माइनस 33/4, x इज इक्वल टू माइनस रूट 33/4 माइनस 1/4 माइनस रूट 33 माइनस 1, ये आ गया। तो दो रूट आ गए, तो आप लिखेंगे देयरफॉर हो गया ख़त्म, एक्स की वैल्यू जहाँ जहाँ आई वैल्यू वहाँ पे अंदर अंडरलाइन करेंगे, ये थी वैल्यू, ठीक है, नहीं ये नहीं है, कौन सी वैल्यू थी, ये एक वैल्यू ये रही और एक वैल्यू ये रही, ठीक।
आप चाहो तो x इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या था √33 प्लस √33 माइनस 1 बाई 4 माइनस √33 माइनस 1 बाई 4, राइट। एक और क्वेश्चन समझा देता हूँ, उसके बाद आप पूरा होमवर्क करेंगे, है ना। ये फिफ्थ वाला, 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर से x के साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, बाई 3 बाई 3 बाई 3 बाई 3 डिवाइडिंग बाई 3। डिवाइडिंग बाई 3 ऐसा हो तो ठीक है, ये कैंसिल हो गया, x² प्लस 2x बाई 3 माइनस 1 बाई 3 इक्वल टू 0। माइनस 1 बाई कॉन्स्टेंट टर्म को उधर भगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे a हो गया, मेमोरी भर गई लगता है यार। अब ये हो जाएगा a दी होल स्क्वायर, राइट, प्लस 2ab। a क्या है, x। अब इसमें कितना लिखेंगे ताकि 2x बाई 3 हो जाए, 1 बाई नहीं इंटू 1 बाई 3 इक्वल टू 1 बाई 3, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये b है, इसलिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग करेंगे, x दी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स नहीं एडिंग 1 बाई 3 दी होल स्क्वायर टू बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 दी होल स्क्वायर, राइट। ये किसका फॉर्म बन गया, ये किसका फॉर्म बन गया, एक्स प्लस 1 बाई 3 दी होल स्क्वायर, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 9 एलसीएम आया 9, 3 के टेबल 9 कब आता, 3 सा 3 प्लस 1 4 बाई 9 एक्स प्लस 1 बाई 3 दी होल स्क्वायर, उसके बाद जो है एक्स प्लस 1 बाई 3 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 9 4 बाई 9, है ना, एक्स प्लस 1 बाई 3 इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाई 9 प्लस माइनस 2 बाई 3 टेकिंग प्लस साइन, एक्स प्लस 1 बाई 3 इक्वल टू 2 बाई 3 एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 3 कॉम एलसीएम आ गया 2 माइनस 1 1 बाई 3। अब लेते हैं टेकिंग माइनस साइन एक्स प्लस 1 बाई 3 इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 एक्स इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस माइनस 2 माइनस 1 बाई 3
माइनस 3 बाय 3 एक्स इक्वल टू माइनस 1। देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या आंसर आया, एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 3 और माइनस 1। नाउ होमवर्क, मैथ्स डन 5 टाइम्स, मैथ्स डन 5 टाइम्स प्लस क्वेश्चन लेफ्ट 1 टाइम।